नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा तो उसने कहा था कि ये बजाहिर एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत की बहुत बड़ी छलांग है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या किसी को मालूम है उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग की जेब में क्या था? नील आर्मस्ट्रांग की जेब में दो छोटे छोटे टुकड़े थे। ये टुकड़े क्या थे और इन टुकड़ों का हवाई जहाज की पहली उड़ान से क्या ताल्लुक था? आज मैं आपको बताऊंगा हवाई जहाज की पहली उड़ान भरने वाले कहां से थे, कौन थे और उनकी क्या कहानी है। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के साहिल पर एक कस्बा केटी हॉक पड़के 1900 में इस कस्बे के रतीले साहिल पर दो मनचले नौजवान दिन रात एक तजर्बे में मगन थे। वो इस कस्बे के रहने वाले नहीं थे, बल्कि इस जगह से कोई 1100 किलोमीटर दूर अमेरिकी रियासत ओहायो के कस्बे डैटन से आए थे। लेकिन हवा में उड़ने का जुनून इस साहली इलाके इन्हें खींच लाया था, क्योंकि केटी हॉक के साहिलों पर तेज हवा चलती थी और यहाँ की नर्म रेत पर बुलंदी से गिरने वाले को ज्यादा चोट नहीं पहुंचती थी। ये दोनों सके भाई वेलबर राइट और ऑरवेल राइट जहां हवाई जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो साहिल पे ही एक खैमा लगा कर रहते थे। इन्हें उम्मीद थी कि यहां इस रतीले साहिल पर इंसान मशीनी हवाई जहाज में अपनी पहली परवाज जरूर कर लेगा। राइट ब्रादरान बचपन से ही जहाज बनाने के शौकीन थे। वजह ये थी कि बचपन में इन्होंने जहाज जैसा एक खिलौना उड़ते देखा था। जब खिलौने में लगे रबड़ बैंड को बल देकर छोड़ा जाता तो ये हवा में उड़ने लगता। बस इस खिलौने को देखकर दोनों भाइयों के दिमाग पर ये बात सवार हो गई कि अगर ये खिलौना उड़ सकता है तो एक ऐसी मशीन भी उड़ सकती है जिसमें इंसान सवार हो। दोनों भाई जवान होते ही डैटन कस्बे में साइकिलें बनाने की दुकान खोल ली। दोनों भाई बड़ी मेहनत से साइकिलें बनाते और इनकी बनाई हुई साइकिलें तो कस्बे में हाथों हाथ बिक जाती, मगर जहाज बनाने की ख्वाहिश हमेशा इन्हें बेचैन रखती थी। ये इन्होंने कई साल के मुताले और तजर्बात के बाद बगैर इंजन के एक जहाज जो के असल में ग्लाइडर था वो तैयार कर लिया और बचपन के ख्वाब को पूरा करने के लिए केटी हॉक रवाना हो गए। वो खाली ग्लाइडर को रस्सी से बांध कर पतंग की तरह हवा में उड़ाने की कोशिश करते थे। कस्बे के लोग भी वक्त गुजारी के लिए इन भाइयों के तजर्बात देखने आ जाते। केटी हॉक के साहिल पर अमरीकी लाइफ सेवर का अमला भी राइट ब्रादरान की मदद के लिए पहुंच जाता था। इन तजर्बात में खतरा भी बहुत था। बाज औकात तो तेज हवा से ग्लाइडर दूर जा गिरता। एक बार तो ग्लाइडर बुरी तरह टूट गया, मगर दोनों भाइयों ने उसकी मरम्मत करके उसको उड़ाने के काबिल बना लिया। दोनों भाई कई हफ्तों तक तजर्बात के बाद अपने शहर लौट गए। ये डिजाइन दोनों भाइयों ने पिछले साल के तजर्बात से सीख कर बनाया था। इस बार इन्होंने अपना कैंप भी एक नई और बेहतर जगह पर मुंतकिल कर दिया जहां हवा इनके तजर्बात के लिए मौजूद थी। लेकिन इस बार भी इनके तजर्बात बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहे। ग्लाइडर उड़ता तो था, मगर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ग्लाइडर की मुसलसल नाकामियों से तंग आकर राइट ब्रादरान कुछ ज्यादा ही मायूस हुए और अपने शेड्यूल से पहले ही वापस चले गए। लेकिन अगर केटी हॉक कस्बे के लोग ये समझ रहे थे कि दोनों भाई अब वापस नहीं आएंगे तो वो गलती पर थे। दोनों भाई अगले बरस 1902 में केटी हॉक लौटे। इस बार अपने बेहतर डिजाइन के साथ अब की बार इनका ग्लाइडर इतना बेहतर था कि वो हवा में इधर उधर डोलने की बजाय बिल्कुल सीधा हवा में उड़ने लगता। अब राइट ब्रादरान हवा में ग्लाइडर का बैलेंस भी रख सकते थे और अपनी मर्जी से मोड़ भी सकते थे। दोनों भाइयों का केटी हॉक का ये टूर कामयाब रहा। इस बार जब वो लौटे तो मायूस नहीं थे। इन्होंने तय कर लिया था कि अगली बार वो इंजन वाला जहाज उड़ाकर तारीख जरूर रकम कर लेंगे। दिसंबर 1903 में राइट ब्रादरान चौथी बार केटी हॉक लौटे तो इनके पास राइट फ्लायर था, दुनिया का पहला हवाई जहाज। उसको उड़ाने के लिए मोटर नस्ब की गई थी। 14 दिसंबर को राइट ब्रादरान ने उड़ान भरने का फैसला किया, मगर मसला ये था कि इसमें पहली इंसानी फ्लाइट का क्रेडिट कौन लेगा, बड़ा भाई वेलबर राइट या फिर छोटा भाई ऑरवेल राइट। इस मसले का हल निकालने के लिए इन्होंने सिक्का उछाला।
और बड़ा भाई वेल्बर राइट टॉस जीत गए। पास पड़ोस के लोग भी ये तजर्बा देखने के लिए जमा हो गए, लेकिन जहाज उड़ाने के लिए रनवे के तौर पर रेलवे लाइन जैसा ट्रैक भी बनाया गया था जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। वेल्बर राइट ने भी इस ट्रैक से जहाज की उड़ान भरी, मगर वेल्बर राइट ने एक गलती कर दी। वो ये कि उसने टेक ऑफ करते वक्त जहाज की नोज यानी जहाज का हेड कुछ ज्यादा ही ऊपर उठा लिया, चुनाचे चंद ही लम्हों में जहाज का तवाज़ुन बिगड़ गया, उसकी मोटर बंद हो गई, जहाज नीचे गिरा और उसके कुछ पुर्जे टूट गए। टूटे जहाज की मुरम्मत करने में 2-3 रोज और लग गए। फिर 17 दिसंबर का दिन आया। 17 दिसंबर को दोनों भाई फिर जहाज उड़ाने के लिए तैयार थे। इस बार वेल्बर की बजाय ऑर्वेल राइट जहाज में सवार हो गया। वेल्बर राइट ने खुद कैमरा सेट किया, जहाज के मंजर को फोकस किया और कस्बे के एक शख्स से कहा कि जैसे ही जहाज उड़े बस ये बटन दबा देना। उसके बाद वेल्बर राइट ने जहाज का विंग पकड़ा और उसे ट्रैक पर ले आया। जहाज एक झटके से फिजा में बुलंद हुआ। उसी लम्हे कैमरे का बटन दबा दिया गया और इंसान की पहली मशीनी उड़ान की तस्वीर बन गई। ऑर्वेल राइट ने 17 दिसंबर 1903 की सुबह 10:35 पर उड़ान भरी। उसने 12 सेकंड में 120 फीट का फासला तय किया और फिर लैंड कर गया। 4 साल की मुसलसल नाकामियों और मुसलसल मेहनतों के बाद हवाई जहाज की इजाद का सहरा राइट ब्रादरान के सर सज चुका था। इस रोज दोनों भाइयों ने 3 मजीद परवाजें की। आखिरी परवाज वेल्बर राइट ने की थी। वो 59 सेकंड तक फिजा में उड़ता रहा और जहाज को 852 फीट दूरी तक ले गया, लेकिन आखिरी परवाज के बाद जब जहाज ने लैंड किया और वेल्बर जहाज से उतर गया तो कुछ देर बाद तेज हवा के एक झोंके से राइट फ्लायर दूर जा गिरा। उसकी मोटर और दूसरे हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। दोनों भाई दीगर लोगों की मदद से जहाज को धकेल कर अपने कैंप में वापस ले आए। ये राइट फ्लायर कभी भी नहीं हो सका और उसने दोबारा कभी परवाज नहीं की। अपने कैंप में वापस आकर राइट ब्रादरान ने अपने घर वालों को अपनी कामयाबी का टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में पास से गलती कर दी। आखिरी परवाज के 59 सेकंड की जगह पर 57 सेकंड प्रिंट हो गया था। जब राइट ब्रादरान के वालिद मिल्टन राइट को ये टेलीग्राम मिला तो बेख्तियार पुकार उठा, लड़कों ने उड़ान भर ली है। लड़कों ने उड़ान तो भर ली थी, मगर दुनिया ये मानने पर तैयार नहीं थी। तो फिर दुनिया ने कैसे माना? इंसान की पहली मशीनी फ्लाइट की जब खबर अमेरिका में फैली तो किसी ने इस पर यकीन ही नहीं किया। सिर्फ एक अखबार रोजिनियन पायलट ने ये खबर शाया की, मगर वो भी गलत मान ली गई। 17 दिसंबर की कामयाब परवाजों के बाद राइट ब्रादरान अपने घर डेटन लौट गए। उनके घर के करीब ही घास का एक खुला मैदान था जिसमें वो मजीद तजर्बे करने लगे। इन्होंने नया राइट फ्लायर बना लिया और उस पर उड़ान भरते रहे। 1905 तक वो अपने जहाज को काफी बेहतर बना चुके थे और कई परवाजों में उसे टेस्ट कर चुके थे। वो ये जहाज अमरीकी फौज को बेचना चाहते थे, मगर इन्होंने अमरीकी फौज को जब भी इस हवाले से खत लिखा तो फौज ने इनका यकीन ही नहीं किया। असल में इस बात में कसूर राइट ब्रादरान का ही था। दोनों भाई बहुत ही शर्मीले और मर्दुम बेजार किस्म के थे। अखबारी रिपोर्टर से मिलना इन्हें पसंद नहीं था। कुछ छोटे अखबारात के सहाफियों और उनके कस्बे के लोगों के अलावा कम ही लोग इनकी इजाद से वाकिफ थे। अलबत्ता कुछ बड़े अखबारात के सहाफियों ने उनकी इजाद के मुतालिक सुना तो इस इजाद को छुप कर देखने का फैसला किया। दोनों भाई 1908 में दोबारा कैटीहॉक पहुंचे और अपने बनाए हुए एक नए तैयारे को टेस्ट किया। सहाफी दूर जंगल में छुप कर दूरबीनों से ये मुजहरा देख रहे थे। इन सहाफियों के जरिए ये खबरें न्यूयॉर्क और पेरिस के बड़े अखबारात में शाया हुई। इस खबर के शाया होने के बाद अमेरिकन आर्मी भी राइट ब्रादरान की हवाई जहाज की परवाज का मुजाहरा देखने पर तैयार हो गई। इधर पेरिस से भी राइट ब्रादरान को दावतनामे मौसूल होने लगे। चुनाचे वेल्बर राइट ने पेरिस का रास्ता लिया और ऑर्वेल राइट के जिम्मे ये काम लगा दिया कि वो अमेरिकन फौज को हवाई जहाज का डेमो दिखाए। अगस्त 1908 में
राइट ब्रादरान ने पेरिस के नजदीक लीमिंस कस्बे में हवाई जहाज उड़ाया। तमाम फ्रांसीसी अखबारात ने इस उड़ान की खबरें और तस्वीरें शाया की। अगले माह सितंबर 1908 में ऑरवेल राइट ने अमरीकी रियासत वर्जीनिया के फौजी अड्डे फोर्ट मेयर में फौजी अफसरों के सामने कामयाब परवाजें की। ऑरवेल ने चंद एक बार प्रवास के कामयाब मुजाहरे किए, लेकिन फिर उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई। हुआ यूं कि 17 दिसंबर 1908 को ऑरवेल ने अमरीकी फौजी के एक लेफ्टिनेंट थॉमस सेल्फ्रिज को भी अपने साथ जहाज में बिठा लिया। जहाज ने उड़ान तो कामयाबी से भर ली, मगर चंद मिनट में जहाज का एक प्रोपेलर टूट गया और जहाज नीचे गिरने लगा। ऑरवेल ने जहाज को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जहाज पूरी रफ्तार से जमीन से टकराया। इस हादसे में थॉमस सेल्फ्रिज की मौत हो गई। ऑरवेल की टांग, कमर और पसलियों पर शदीद चोटें आईं। कुल 6 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने के बाद ऑरवेल अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया, मगर उसकी हड्डियों को जो नुकसान पहुंचा था वो तमाम उम्र ठीक ना हो सका और छड़ी के सहारे चलता रहा। ये हवाई जहाज क्रैश होने का पहला वाकया था जिसमें एक इंसान थॉमस सेल्फ्रिज की मौत हो गई। ऑरवेल राइट अस्पताल से निकलकर अपने भाई के पास यूरोप चला आया। फिर राइट ब्रादरान मुल्कों घूमकर अपनी ये इजाद दुनिया को दिखाने लगे। इन्होंने बर्तानिया के शहंशाह एडवर्ड 7 के सामने भी परफॉर्म किया, स्पेन के बादशाह अल्फांसो 8 को फ्लाइंग गुर सिखाए, जबकि जर्मनी के वली अहद फ्रेडरिक विलहेलम को तो जहाज में सहर भी कराए। जब राइट ब्रादरान यूरोप घूमकर डैटन वापस आए तो रेलवे स्टेशन पर इनका इस्तकबाल करने के लिए हजारों लोगों का एक समंदर उमड़ आया। 1909 में वेलवेट राइट ने अमरीकी मुजस्मा आजादी के गिर्द चक्कर लगाकर न्यूयॉर्क के शहरियों को हैरान कर दिया। राइट ब्रादरान ये फिजाई मुजाहरा कर रहे थे और इसी दौरान इन्हें एक और कामयाबी मिल गई। अमरीकी फौज ने इन्हें जहाज बनाने और पायलट्स को ट्रेनिंग देने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब राइट ब्रादरान ने 1909 में राइट प्लेन के नाम से एक कंपनी बनाई और तेजी से जहाज बनाना शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ इन्हें जालसाजों का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि कई जालसाजों ने राइट ब्रादरान के जहाज का डिजाइन चोरी करके अपने डिजाइन बनाना शुरू कर दिए। इसके जवाब में राइट ब्रादरान ने जालसाजों पर मुकदमात कर दिए। इन मुकदमात के हवाले से वेलबर राइट कई बार यूरोप और अमेरिका की अदालतों में पेश हुआ। 1912 में अमेरिकी शहर बोस्टन के सफर के दौरान वेलबर राइट को टाइफाइड हो गया। डैटन वापसी के बाद 30 मई 1912 को वो 45 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। विल्बर राइट की मौत ने उसके छोटे भाई ऑरवेल राइट को बिल्कुल तन्हा कर दिया। जहाजों में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई और उसने राइट कंपनी के अपने शेयर्स 10 लाख अमरीकी डॉलर में फरोख्त करके बाकी सारी जिंदगी डैटन वापस आकर तन्हा गुजार दी। 1948 में 76 बरस की उम्र में दिल के दौरे से ऑरवेल राइट की भी मौत हो गई। उसे अपने भाई वेल्बर राइट और बहन कैथरीन राइट के साथ दफन किया गया। उनकी कब्रों के सराहाने राइट ब्रादरान की यादगार बनाई गई। कैटी हॉक का कस्बा जहां राइट ब्रादरान ने पहली उड़ान भरी थी, वहां कई जगहों पर राइट ब्रादरान की यादगारें बनाई गई हैं। इस कस्बे को नॉर्थ कैरोलिना के बाकी कस्बों से मिलाने के लिए जो पुल बनाया गया है उसे भी राइट मेमोरियल ब्रिज का नाम दिया गया। कैटी हॉक में एक नेशनल मेमोरियल विजिट सेंटर भी कायम है जहां राइट ब्रादरान की बनाई हुई कई चीजें या फिर उनके मॉडल्स रखे हैं। राइट ब्रादरान की बनाई हुई 5 साइकिलें भी महफूज हैं। राइट ब्रादरान का बनाया हुआ पहला जहाज राइट फ्लायर अब भी वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में महफूज है। राइट ब्रादरान को एक और एजाज भी मिला कि नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार चांद पर कदम रखा तो उसकी जेब में राइट ब्रादरान के जहाज के 2 टुकड़े थे, एक कपड़े का टुकड़ा जो जहाज के बाएं विंग से फाड़ा गया था और दूसरा जहाज के बाएं प्रोपेलर से लिया गया लकड़ी का टुकड़ा। दोस्तों, इंसान हजारों साल से परिंदों की तरह हवा में उड़ना चाहता था और फिर उड़ने लगा और फिर चांद तक जा पहुंचा। दोस्तों, मजीद डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए इस चैनल डॉक्यूमेंट्री बॉय को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।